हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान परीक्षा पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान में 2023 में बहुत सारी भर्तियों का दौर आना है, और उन सभी भर्तियों में बैठने से पहले, सिलेक्शन एग्जाम्स में बैठने से पहले, आपको सीईटी के अंदर बेहतरीन स्कोर लाना होगा। सीईटी के अंदर आपको टॉप जो स्टूडेंट्स हैं उनमें आना पड़ेगा। अब सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पर अलग हो रहा है, ट्वेल्थ लेवल पर अलग हो रहा है। ग्रेजुएशन लेवल पर अगर हम बात करें तो उसमें जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है, वुमन सुपरवाइजर की वैकेंसी और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। ट्वेल्थ लेवल की बात करें तो ट्वेल्थ लेवल से दो बड़ी भर्तियां, एक तो LDC राजस्थान पुलिस, ये दो बड़ी भर्तियां और कुछ छोटी भर्तियां होने वाली हैं। तो ट्वेल्थ लेवल का जो सीईटी आपको देना है, जिसका कि जो एग्जाम शेड्यूल है वो फरवरी 2023 के अंदर ऑलरेडी फाइनल हो चुका है, तो विज्ञान में क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, इसकी बात हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो पहले तो देखते हैं साइंस के सिलेबस को, साइंस का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या है, और उसके बाद देखेंगे कि ये सिलेबस जो है कहां कहां आपके काम आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, विज्ञान के अंदर जो टॉपिक आपके जुड़ा हुआ है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ है। उसके बाद है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, कैटलिस्ट एंड एंजाइम्स। देखिएगा, इस टॉपिक को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये टॉपिक फिजिकल केमिकल चेंजेस विद केमिकल रिएक्शंस, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, भौतिक रासायनिक परिवर्तनों में जो रासायनिक परिवर्तन है उनमें ही विशेष रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं को, केमिकल रिएक्शंस को पढ़ा जाता है। इसी के अंदर आप रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे, अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है रिएक्शन बैलेंस्ड है कि इम्बैलेंस्ड है। उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन, संयोजन, विघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, उनको पहचानना आपको आना चाहिए। अपघटन यानी कि जो डिकम्पोजिशन है वो भी किस टाइप का है वो भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स इस टॉपिक में आते हैं। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उनकी पहचान। तो अपने आप में टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ में जुड़ा हुआ है कैटलिस्ट एंड एंजाइम, ये भी इसी टॉपिक के साथ कनेक्ट है। इस रिएक्शन में कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, कैटलिस्ट कितने प्रकार के होते हैं, है ना, जैसे पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, समांगी विषमांगी उत्प्रेरण, है ना, होमोजीनस हेटरोजीनस। तो इनके एग्जांपल्स पिछले LDC के पेपर में पूछे गए थे, अभी CET में भी सेम टू सेम सिलेबस है। साइंस का ट्वेल्थ लेवल CET में भी साइंस का सिलेबस लगभग लगभग वही है जो LDC एग्जाम में होना है। एक टॉपिक कम है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा को हटा दिया गया है CET 12th के सिलेबस में और वो LDC में आएगा, ठीक है, बाकी सेम टू सेम है। तो हम लोग जो सबोर्डिनेट बोर्ड का ही पेपर देने वाले हैं, सबोर्डिनेट बोर्ड ने ही पिछले जो LDC हैं वो पेपर लिए हैं, वीडियो लिया है, पटवार लिया है और भी बहुत सारे पेपर लिए हैं, तो उनके प्रीवियस पेपर को हम आधार बनाएंगे और उसी आधार पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो इस टॉपिक से काफी गहरे क्वेश्चंस आते हैं, रिएक्शंस भी आते हैं, उनके एग्जांपल्स आ जाते हैं, याद रखना पड़ेगा अच्छे से। दूसरा टॉपिक है मेटल नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स, धातु अधातु के प्रमुख यौगिक। इसमें दोस्तों 118 एलिमेंट है आज की डेट में पीरियडिक टेबल में, 118 एलिमेंट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, धातु अधातु, उपधातु, है ना, और वो सब जो है वो बहुत तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं जिनकी संख्या अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है लेकिन उसके बावजूद भी एक लिमिटेड रेंज है, वहां तक आपको पढ़ना रहता है, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर डालेंगे। इसमें भी आपको आधार NCERT की बुकलेट्स को बनाना है, जो 9th और 10th की बुकलेट्स है उनमें जो जो मटेरियल है उसको आपको आधार बना लेना है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको केमिस्ट्री की बेसिक पहचान होना जरूरी है, केमिस्ट्री का फंडामेंटल आपको आना चाहिए, क्योंकि मेटल नॉन मेटल है। अभी जैसे मेटल में मान लीजिए आपको दे दिया गया एल्कली मेटल्स कौन होते हैं, क्षार धातुएं कहां पाई जाती हैं पीरियोडिक टेबल में, है ना, क्षार मृदा धातुएं एल्कली अर्थ मेटल कहां होते हैं, सिक्का धातुएं कॉइन मेटल कहां पाई जाती है, रेयर अर्थ एलिमेंट दुर्लभ मृदा धातु दुर्लभ मृदा तत्व कहां पाए जाते हैं, कौन कौन से पीरियोडिक टेबल के कौन कौन से ब्लॉक हैं जिनमें केवल मेटल पाए जाते हैं,
इस ब्लॉक में मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड पाए जाते हैं, तो पीरियोडिक टेबल से भी टच कर सकता है क्वेश्चन को, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी भी मेटल की वैलेंसी, किसी भी मेटल का केमिकल कंपोजिशन, प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर, लोकेशन, ये पूछी जा सकती है। तो इसके लिए आपको तीन टॉपिक बेसिक में पढ़ने होते हैं, बेसिक केमिस्ट्री में। और बेसिक केमिस्ट्री में तीन टॉपिक की बात करें तो एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, तत्व यौगिक मिश्रण, ये आपको बेसिक आना चाहिए, है ना। और इसके बाद आपको आना चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसके बाद पीरियोडिक टेबल। ये तीनों टॉपिक्स के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर आप सीईटी की केमिस्ट्री पर फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जा पाओगे, ठीक है। तो जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये बेसिक है, इसके बिना ना मेटल नॉन मेटल पढ़ पाओगे, ना ही इसके अगला जो टॉपिक है कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड्स। कार्बन कार्बन के कंपाउंड्स में पूरा हाइड्रोकार्बन आ जाता है, और देखा जाए तो पूरी आईयूपीएसी आ जाती है। बच्चे सोचते हैं कि सर जनरल साइंस है, कहां आईयूपीएसी? उठाइए पिछला एलडीसी का पेपर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वहां पे पूछा गया है। वहां पे चार ऑप्शन देकर पूछा गया है एरोमेटिक यौगिक कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि हकल के नियम से पता किया जाता है, जो कि अपने आप में काफी एडवांस जो रूल्स हैं, काफी एडवांस लॉ है ना। साथ में एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें एक यौगिक की आकृति पूछी गई थी, और यौगिक की आकृति जो शेप ऑफ कंपाउंड्स है वो निकाली जाती है हाइब्रिडाइजेशन से, संकरण से। अब आप कहोगे कि 9th-10th में तो सर संकरण का नाम ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आया था, जरूर आया था एलडीसी 2018 में, ठीक है। तो बेटा ये टॉपिक वो है जिसकी सीमाएं बहुत आगे तक हैं, लेकिन इसको पढ़ने के लिए भी आपको वही केमिस्ट्री के बेसिक्स पता होना चाहिए। तो आप कार्बन कार्बन के कंपाउंड्स, कार्बन के अपर रूप, एलोट्रॉप्स, क्रिस्टलाइज्ड, नॉन क्रिस्टलाइज्ड, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, उनके बारे में पूरी जानकारी। देन आफ्टर हाइड्रोकार्बन्स, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स के प्रकार, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का बेसिक्स आप पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करना सीखेंगे, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कैसे पहचानेंगे। तो टॉप लेवल अप्रोच लेनी है, जहां से भी पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, बोर्ड लेने वाला है पेपर, और पिछले पेपर्स में जो दे दिया वो आगे नहीं देगा, इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी है। पिछले पेपर्स को आधार बनाकर कम से कम वहां तक तो पढ़ना ही है, उसके आगे अगर बस की हो तो पढ़ लेना, लेकिन वहां तक तो पढ़ना है। उसके बाद आपके सिलेबस में सीएनजी ईंधन पूरा ही पढ़ लेना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी, फ्रियोन्स भी आपके सिलेबस में, ठीक है, पॉलीमर आपके सिलेबस में है, सोप एंड डिटर्जेंट विद डेली लाइफ केमिस्ट्री। तो पूरा फ्यूल, सोप, डिटर्जेंट, पॉलीमर, डेली लाइफ केमिस्ट्री, आसपास की चीजें लपेट डालिए। फिजिक्स में एक ही टॉपिक जोड़ा, यार बड़ी मतलब स्ट्रेंज बात है, है ना, एक ही टॉपिक पूरी फिजिक्स में, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन, इसके लॉज, ठीक है। उसके बाद है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन, लेंस के प्रकार, तो अपवर्तन पढ़ना पड़ेगा। तो एक तरीके से पूरी लाइट, और लाइट में अच्छे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल, तो इस लेवल की तैयारी कर लीजिए कि आप न्यूमेरिकल, इवन दृष्टि दोष के तक न्यूमेरिकल आए हैं पिछले पेपर्स में, जो बोर्ड के द्वारा लिए गए हैं। एलडीसी 2018 के पेपर को ही उठा लो, ठीक है, क्योंकि इस सीईटी में भी सबसे बड़ी भर्ती एलडीसी ही है ना। तो दृष्टि दोष तक के न्यूमेरिकल्स थे, आवर्धन के न्यूमेरिकल्स थे, तो याद रखिएगा। उसके बाद यहां पर भी फिजिक्स में भी आपको एक टॉपिक बोनस पढ़ना है, जिसका नाम है मेजरमेंट, मापन। यहां से आपको पता चलेगा भौतिक राशियां क्या होती है, विमीय सूत्र क्या होता है, नैनो, गीगा, मेगा, पीको क्या होते हैं, पावर ऑफ 10 क्या होती है, वेक्टर, स्केलर, सदिश, अदिश क्या होते हैं, ये आईडिया यहां से आपको लगेगा। टेक्नोलॉजी का पार्ट सेम टू सेम टू एलडीसी, आपके स्पेस टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। तो आपको इतिहास पढ़ना है पूरा एक, तो उसके बाद इंडियन स्पेस प्रोग्राम में क्या क्या हुआ है वो आपको देखना है, और आगे साल दो साल में क्या क्या होने वाला है वो आपको देखना है। लेटेस्ट जो कुछ मिशन है उनके बारे में डिटेल पढ़ना है, कौन कौन से सक्सेसफुल हुए, कौन कौन से फेल हो गए, ठीक है, वगैरह वगैरह, किस किस ग्रह के लिए कौन कौन से मिशन जो है वो अलग अलग कंट्रीज के द्वारा चलाए जा रहे हैं, वो भी आपको याद रखना है। करंट अफेयर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस टॉपिक में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी, सूचना प्रौद्योगिकी में भी आपका इंटरनेट हो गया, ठीक है, कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या होते हैं, रोम, रैम क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, कंप्यूटर की जनरेशंस वगैरह के बारे में, इंटरनेट, इंटरनेट के टाइप्स, ठीक है, ईमेल वगैरह, फैक्स, ओके, सर्च इंजन्स, वेब ब्राउजर्स वगैरह, इनके बारे में जानकारी आपकी बेसिक्स में है। करंट अफेयर्स यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपको देखना है, उसके बाद जेनेटिक्स आपके सिलेबस में है, पूरा मेंडल, मेंडल के नियम, जेनेटिक्स से जुड़ी हुई बीमारियां, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र, गुणसूत्र की संरचना, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए, मनुष्य में सेक्स डिटर्मिनेशन और प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत जिसे बोला जाता है सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। एनवायरमेंट, इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर, एनर्जी का प्रवाह, जैविक अजैविक घटकों के बारे में जानकारी, बायोजियोकेमिकल साइकिल, ये जैव भू रासायनिक चक्र, साथ में कनेक्टेड है बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक्स आपको पढ़ना है, बायोपेटेंट क्या होते हैं, ठीक है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजीनी जंतु क्या होते हैं, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है, कैसे पुनः संयोजी डीएनए बनाया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, डीएनए एक जीव का डीएनए दूसरे जीव में डालने की तकनीकी क्या है, ठीक है, और इससे जुड़े हुए कुछ कंसेप्ट्स जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जैसे कि पीसीआर, ठीक है, जैसे कि डीएनए फिनोटाइपिंग, जैसे कि क्लोन कैसे बनाए जाते हैं, स्टेम सेल क्या होती हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस एंड प्लांट, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें पादपों के वैज्ञानिक नाम पढ़ने, जंतुओं के वैज्ञानिक नाम पढ़ने अनलिमिटेड, लेकिन कैटेगरीज में बांटकर, जैसे खाद्यान्न सीरियल्स, जैसे तिलहन ऑयल सीड्स, जैसे दलहन पल्सेस दालें, जैसे औषधीय महत्व के पादप, जैसे इमारती महत्व के पादप, इमारती लकड़ी प्राप्त होती है जिनसे पेय पदार्थ प्रदान करने वाले पादप, चाय कॉफी है ना, तो रेशे प्रदान करने वाले प्लांट्स, उनको कैटेगराइज करके पढ़ना है, ओके। और एनिमल्स में मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, ठीक है, और क्या बोलते हैं उनके, आपके और भी मोती, मोती कैसे प्राप्त किया जाता है, पर्ल कैसे प्राप्त करते हैं, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है आपके ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, ब्लड देना लेना, आरएच फैक्टर, ठीक है। साथ में है ह्यूमन डिजीजेस, टाइप ऑफ डिजीज है ना, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, कॉन्टाजियस, नॉन कॉन्टाजियस, संक्रामक है संक्रामक यार, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवक जनित, प्रोटोजोआ जनित, कृमि जनित, ठीक है। उसके बाद तत्वों की अधिकता कमी के कारण, सुने होंगे मिनीमाटा, इटाई इटाई, ब्लैक फुट सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम्स, ठीक है, इनके बारे में। और वैक्सीनेशन, किस बीमारी का कौन सा टीका है, सारे टीके पढ़ने, लगन टीका नहीं पढ़ना, वो नौकरी के बाद होगा, ठीक है। उसके बाद है आपके कुपोषण, अरे यार कुपोषण, मेल न्यूट्रिफिकेशन, जिसमें आपको पहले पोषण पढ़ना है फिर कुपोषण पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उनकी अधिकता और कमी से होने वाली बीमारियां। तो ये है आपका सिलेबस जो पॉइंट टू पॉइंट एलडीसी सिलेबस को फॉलो करता है, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी सिलेबस में नहीं डाली गई है, ठीक है। पढ़ेंगे कैसे, तो पहले प्रीवियस एग्जाम्स को देखिए, सबसे पहले एलडीसी 2018 देखिए, ठीक है, स्टेनोग्राफर 2018 वाला पेपर देखिए, ठीक है, 2011-13 के एलडीसी देखिए, है ना, जूनियर अकाउंटेंट के पेपर देखिए। ये तीन चार एग्जाम ऐसी हैं जिनमें पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस यही है लगभग लगभग, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे आपको आइडिया लग जाएगा। एलडीसी 2018 साइंस के अगर क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो अब तक के सबसे डेंजरस लेवल वाले पेपर थे वो, ठीक है। उन लेवल्स को देखते हुए न्यूमेरिकल्स को अच्छा कर लीजिए, ठीक है, और एनसीईआरटी को आधार बनाकर जितना गहरा पढ़ सकते उतना गहरा पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी को पॉइंट टू पॉइंट आधार बना लीजिए, जो टॉपिक सिलेबस में है एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपके टिप्स पे होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाते हुए पढ़ना चालू करिए, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी का सेगमेंट है, स्पेस का और इंफॉर्मेशन का, उसमें करंट अफेयर्स के प्रॉपर ही नोट्स बनाते जाइए, पिछले साल भर में स्पेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या हुआ है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो चीज है वो ये कि हम आपके लिए यहां क्या कर सकते हैं कि आप साइंस में मैक्सिमम स्कोर की ओर जा सकें और आपको खुद को अलग बुक्स के पीछे नहीं भागना पड़े, खुद को जो है नोट्स ना बनाने पड़े, एनसीईआरटी से नोट्स बनाने की जहमत ना उठानी पड़े, तो उसके लिए आप परीक्षा एप्लीकेशन पर सीईटी 10+2 और एलडीसी उसके बाद, ठीक है, दोनों का जो कॉम्बो बैच है उसके अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। और इस कॉम्बो बैच की खास बात है कि अब तक की सबसे मिनिमम प्राइस पर ये दिवाली तक आपको मिल रहा है, ठीक है, तो हैप्पी दिवाली कोड लगाइएगा। वैलिडिटी 31 अक्टूबर है, लेकिन एक एक दिन आपके जीवन में कीमती है क्योंकि फरवरी में सीईटी का एग्जाम है, और सीईटी में अगर टॉप रैंक्स में नहीं आए तो आगे अगली साल होने वाले किसी भी एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा बेटा। तो सीईटी को जो लोग अंडरस्टिमेट कर रहे हैं कि तैयारी तो सिलेक्शन एग्जाम की करेंगे, बेटा सिलेक्शन एग्जाम में तो तब बैठोगे जब सीईटी में स्कोर लाओगे, ठीक है। तो 999 में 3000 जनरली कोर्स की फीस है, लेकिन 999 में आपको कोर्स दे रहे हैं, पहले सीईटी 10+2 पूरा, उसके बाद एलडीसी, सीरीज दोनों की, पर एलडीसी की एग्जाम तक वैलिडिटी। ये इंक्वायरी नंबर्स हैं, किसी भी इंक्वायरी नंबर पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टीम आप देख रहे हैं,
पूरी जोश जुनून ज्ञान और अनुभव से भरी हुई टीम आपको अपने सब्जेक्ट में महारत आपको दे रही है। अपना बेहतरीन अनुभव और अपना बेहतरीन कंटेंट दोनों इस्तेमाल करते हुए और आपके सब्जेक्ट की मजबूती का वो लोग ध्यान रख रहे हैं। तो मेहनत कीजिएगा बच्चों, और आगे भी आपके लिए और वीडियोस लाते रहेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो से जुड़ी, सिलेबस से जुड़ी जानकारी, सिलेबस से जुड़ा हर वो पहलू जो पिछली एलडीसी में बच्चे इग्नोर कर गए, मैंने आपके सामने रखा है कि कहां कहां तक क्वेश्चंस आए हैं, उस हिसाब से चीजों को मैनेज करते हुए अपनी तैयारी जारी रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।